दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं आपको तरह तरह के वीडियो बनाने के तरीके सिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम थंबनेल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो हम कितना भी अच्छा बना लें, अगर थंबनेल सही नहीं होगा तो उस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लैपटॉप या पीसी में पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है और यहां से दोस्तों आप ब्लैंक लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक लेआउट लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, आपको पिक्चर में जाना है। यहाँ दोस्तों आपको दिस पीसी मिलेगा, आप दिस पीसी में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी थंबनेल बनाने के लिए, जिसे हमें थंबनेल में यूज करना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने इस फोल्डर में रखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा लूँगा। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों टेक्सचर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे दोस्तों मैंने pixabay.com से डाउनलोड किया है और जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको दे दूँगा। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसे इंसर्ट करवाएंगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका एक और कॉपी बना लेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे कंट्रोल डी से, इसका एक और कॉपी बना करके साइड में रख लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर दो कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेड कलर है और एक सिल्वर कलर है, इसमें दो कलर हैं, तो दोस्तों मैंने इसकी दो कॉपी बनाई है। ठीक है, अब दोस्तों पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग इस तरह से इसे क्रॉप कर लेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, तो हमारा एक जो है ये हो गया। ठीक है, और दूसरा दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे और इसे दोस्तों ऊपर से इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको कर लेना है और इसे साइड में रख लेना है। इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। इतना होने के बाद दोस्तों वापस से आपको शेप टूल में जाना है और यहाँ से दोस्तों आप एक ट्रायंगल शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा बनाऊंगा इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ट्रायंगल शेप ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब दोस्तों आप इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ आना है और यहाँ से दोस्तों आप इसे 90 डिग्री में रोटेट करवा लेंगे। ठीक है, और देन दोस्तों आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे रख लेना है और उसके बाद दोस्तों इस डॉट से पकड़ के इसे यहाँ पे इस तरह से कर देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसका एक और डुप्लीकेट बना लेनी है। कंट्रोल डी दबा करके दोस्तों हम लोग इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, तो इस तरह का हमारे पास दो शेप आ जाएगा। एक शेप को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो येलो डॉट आपको दिख रहा है इसे पकड़ के दोस्तों थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दूसरा शेप को सेलेक्ट करेंगे और ये जो येलो डॉट है इसमें हमने ऊपर किया था, तो दोस्तों इसमें हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और फिर दोस्तों दूसरे शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव फॉर्मेट में रहते हुए यहाँ दोस्तों आपको मर्ज शेप का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप इसे यूनियन कर लेंगे, यानी कि दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों हम लोग सेव फॉर्मेट में जाएंगे, मर्ज में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इसे यूनियन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ से कंबाइन में जाएंगे तो ये कट जाएगा, हम लोग यहाँ से यूनियन कर देंगे। चलिए ये हमने कर दिया। इतना होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, यानी कि इसके यहाँ पे हम लोग पहले इसे रख लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देंगे, यानी कि ये दोस्तों हमारा पीछे रहेगा। और उसके बाद दोस्तों इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग शिफ्ट को दबा के रखेंगे और इसे थोड़ा सा हम लोग पीछे रख लेते हैं कुछ इस तरह से।
और इसे थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाएंगे। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा सेफ है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस सेफ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ दोस्तों हमें मिल जाएगा फॉर्मेट सेफ। हम लोग फॉर्मेट सेफ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है जिसे कहते हैं फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ दोस्तों फिल का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिल के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, पिक्चर और टेक्सचर फिल सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा क्लिप बोर्ड, आपको क्लिप बोर्ड सेलेक्ट कर लेनी है और इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वाला जो टेक्सचर है, ये वाला जो कलर है, इस शेप में फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेफ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों सेफ आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। और उसके बाद दोस्तों हम लोग सेफ इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों ये वाला शैडो यानी कि ऑफसेट राइट शैडो अप्लाई कर देंगे। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका पिक्चर है आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लेना है और देन दोस्तों ये जो हमारा शेप है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे। वापस से दोस्तों हमारे सामने वही ऑप्शन आ जाएगा और हम लोग पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करके ये वाला कलर इस शेप में फिल करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों सेफ फॉर्मेट में जाएंगे, सेफ आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों सेफ इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाएंगे और सेम वही शैडो हमें इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आप इस पर क्लिक करके जो है इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, इतना होने के बाद दोस्तों इसे क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों इसे हम लोग इस साइड रख लेते हैं, ठीक है, और इसको दोस्तों हम लोग इस साइड रख लेते हैं क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। इतना होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और इमेज इंसर्ट करवाने हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो वीडियो है, जो आपका टॉपिक है, तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक इमेज इंसर्ट करवा देनी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं कुछ स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ और स्टडी से रिलेटेड हमारा कंटेंट है, तो दोस्तों स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करवा दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्टडी से रिलेटेड इमेज सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद सेंड टू बैक कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इस स्लाइड को थोड़ा सा और जूम इन कर लेंगे और इसे दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे दोस्तों हम लोग स्लाइड जितना ही रखना है, ठीक है, जहाँ तक स्लाइड है वहीं तक रखना है, बाकी पोर्शन को दोस्तों हम लोग यहाँ से क्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से फिट टू स्लाइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से पूरे स्लाइड के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको ये वाला कलर अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। और देन दोस्तों हम लोग सेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड को वापस से जूम इन कर लेते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे और वापस से दोस्तों हम लोग इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा इमेज जो है हल्का हल्का बैकग्राउंड में दिखेगा। दोस्तों आपने कई सारे थंबनेल पे ऐसा देखा होगा कि इमेज जो है थोड़ा थोड़ा दिखता है और यहाँ पे जो पर्सन होते हैं, यहाँ पे जिनकी इमेज बनी होती है, वो अच्छे से हाईलाइट हो पाता है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये वाला तरीका अपनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखेंगे। थोड़ा सा दोस्तों स्लाइड की साइज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से माउस कर्सर रख के इसकी साइज को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। इस पर दोस्तों राइट क्लिक करके इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, इसे दोस्तों हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो दोस्तों इतना करने से हमारा स्लाइड बिल्कुल सामने आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन ऐड करनी है, यानी कि हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे।
ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और यहाँ पे दोस्तों चीजों को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है ये दोस्तों आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम देना है, और सही से सोचने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चीजों को लिखना है। और दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि बहुत कम से कम शब्दों में थंबनेल के ऊपर लिखना है। अभी दोस्तों आपको ये फॉन्ट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम लोग फॉन्ट कलर में जाएंगे और इसमें दोस्तों मैं फिलहाल व्हाइट कलर फिल करवा देता हूँ। और यहाँ से दोस्तों मैं उसके बाद दोस्तों यहाँ से फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और ये फॉन्ट साइज दोस्तों मिनिमम 80 होना ही चाहिए, यानी कि 8080 इसका साइज होना ही चाहिए। इतना साइज देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो है अपने पसंद का फॉन्ट लगा देना है। तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे खांड बोल्ड फॉन्ट अप्लाई करें। खांड बोल्ड लिख करके आप एंटर कीजिए तो यहाँ पे ये खांड बोल्ड फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दूंगा, देखिए अब दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ सरका लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही कम शब्दों में कैप्शन को लिखा है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से ही बहुत कम शब्दों में आपको अपना कैप्शन लिखना है, ठीक है। आप कोशिश करें कि बिल्कुल कम से कम शब्दों में अपनी बातों को यहाँ पे लिख सके। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और थोड़ा सा दोस्तों इसे इस तरह कर देंगे, ठीक है। और इसे थोड़ा सा हम लोग नीचे रख लेते हैं और कोशिश रहेगा हमारा ये करे भी इसी लाइन में आ जाए, यानी कि मात्र दो लाइन में दोस्तों हमें अपना कैप्शन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं आ रहा है दो लाइन में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस शेप को थोड़ा सा शिफ्ट दबा करके इस तरफ खींच देना है, ठीक है। बट दोस्तों आपको फॉन्ट का साइज 80 से कम नहीं करना है, ठीक है। फॉन्ट का साइज दोस्तों आपको 8080 से कम नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि 80 प्लस रहे, बट 80 से कम बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी हाल में आपको फॉन्ट साइज 80 से कम नहीं रखना है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, बाकी दोस्तों आपको जो भी लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। या तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ इस तरह से, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसकी साइज को दोस्तों मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा है दोस्तों। हाँ, अब दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये चीजें कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा इसे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा सा और जूम इन करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो फॉन्ट है, ठीक है, ये जो फॉन्ट है इसे थोड़ा सा साइड में लेकर के आएंगे। साइड में लेकर के आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करनी है और इस फॉन्ट के ऊपर ड्रॉ कर देनी है। और इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये जो फॉन्ट है आपका पूरी तरह से ढक जाए, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट करनी है। एक साथ ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपसे फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज शेप्स, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इंस्ट्रैक्ट, ठीक है, इंस्ट्रैक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा फॉर्मेट शेप, आपको यहाँ क्लिक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो इमेज है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एक बार मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और वापस दोस्तों मैं पिक्चर और टेक्सचर फिल पे क्लिक कर लूँगा और क्लिपबोर्ड पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये इमेज इस फॉन्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सेफ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से सेफ आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग नो आउटलाइन कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे यहाँ पे ला करके रख देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिट टू स्लाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है थंबनेल हमारा बिल्कुल अट्रैक्टिव बन गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अट्रैक्टिव थंबनेल पावर पॉइंट में बना सकते हैं। आगे और चीज़ें बाकी रह गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों आपको इसमें कोई इफेक्ट लगाना है, ठीक है, तो वो आप कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है,
ठीक है, ये जो आपने लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप सेफ इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे इफेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आप एक एक करके जो है सभी इफेक्ट इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं और जो आपको सही लगे वो इफेक्ट दोस्तों आपको इसमें अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ से ग्लो इफेक्ट इसमें अप्लाई करूँगा, तो दोस्तों मैं ग्लो में जाऊँगा और उसके बाद मोर ग्लो में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं आई ड्रॉपर लूँगा और उसके बाद दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है और इसका जो सबसे डार्क एरिया है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, वापस से शेप इफेक्ट में जाना है, ग्लो में जाना है और यहाँ से दोस्तों ग्लो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को दोस्तों हम लोग 10% कर देंगे, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को 10 या 15 कर दीजिए और इसका जो साइज है दोस्तों इसे आपको कर देना है 5, ठीक है, और उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, ओके। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, शेप इफेक्ट में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक इफेक्ट मिलेगा वीवेल, आपको इसमें आना है और यहाँ से दोस्तों आप जो है कोई भी एक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉन्ट है ये बिल्कुल जो है सिनेमैटिक लग रहा है, यानी कि इस तरह का जो फॉन्ट होता है वो आपको मूवी के पोस्टर में दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। बाकी दोस्तों अगर आपको सिंपल रखना है तो दोस्तों आप इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं और आप चाहें तो दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा शैडो इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये थंबनेल बन जाता है। उसके बाद दोस्तों आप इसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों लाइव क्लासेस है तो लाइव क्लासेस लिख सकते हैं या जो भी लिखना है, नीचे में थोड़ा बहुत जगह है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा सेफ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी से इसे डुप्लीकेट बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग सेफ फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से दोस्तों सेफ फिल में जाएंगे, यहाँ से नो फिल कर देंगे, ठीक है, नो फिल कर देंगे। सेफ आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों वाइट आउटलाइन अप्लाई कर देंगे और वापस से दोस्तों हम लोग सेफ आउटलाइन में जाएंगे, विद में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों इसकी विद को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से स्लाइड को थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों ये जो हमने शेप बनाया है इसे पकड़ के दोस्तों हम लोग इसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे, ये देखिए। इतना करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपका थंबनेल जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया है, ठीक है। चारों तरफ से दोस्तों इसे थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे फिट टू स्लाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस पीसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने अपना इमेज जिस फोल्डर में रखा है आप उस फोल्डर में जाएंगे। तो दोस्तों आप अपना बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ इमेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे इंसर्ट करवा देंगे और उसके बाद दोस्तों आप इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये स्टूडेंट सही से दिख नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस इमेज की साइज को कम कर लेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों अब हम इसे जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक रेक्टेंगल शेप लूंगा और यहां से दोस्तों मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों शेप आउटलाइन में जाऊँगा, वाइट आउटलाइन दे दूँगा, सेप आउटलाइन में जाऊंगा और इसकी भी दोस्तों मैं वापस से 3 रख लेता हूं और सेफ फिल में जाकर के दोस्तों नो फिल कर देंगे और इसके ऊपर दोस्तों राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे और ये जो दोस्तों हमारा इमेज है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। उसके बाद ये इमेज ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, यानी कि सभी को एक एक करके सेंड टू बैक कर देना है ताकि ये जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पर दिखने लग जाए, ठीक है। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा जो है फाइनल टच कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पावर पॉइंट की मदद से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत थंबनेल बना सकते हैं और इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा चेंज फाइल टाइप, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ मिलेगा दोस्तों PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप इसे डेस्कटॉप पे चाहें तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, जहां मर्जी हो दोस्तों आप इसे वहां पे सेव कर सकते हैं,
और यहाँ से दोस्तों आपको जस्ट दिस वन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे मिनिमाइज करके देख सकते हैं, ये हमारा थंबनेल बन चुका है। अब दोस्तों मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर पॉइंट की मदद से मैंने कितना अच्छा और खूबसूरत थंबनेल बनाया है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।